हे दोस्तों, फैक्ट फाइंडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनजाने में किया गया कुदरत से खिलवाड़, जिसका ऐसा भयंकर नतीजा निकला कि 4.5 करोड़ चाइनीज लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, आप जानोगे तो आपको पता चलेगा कि नेचुरल साइकिल को तोड़ने का क्या नतीजा निकल सकता है। तो चलो इस घटना को जानते और समझते हैं। 1958 से लेकर 1961 तक के सालों में चीन में एक भयंकर अकाल हुआ, जिसको हम ड्रॉट और फेमाइन भी बोल सकते हैं, जिसमें 4.5 करोड़ चाइनीज लोग असहनीय भूखमरी भुगतने के बाद बेमौत मारे गए। देश में अकाल होने का कारण नेचुरल तो था ही, इसके अलावा एक और महत्व का रीजन था जो मानव निर्मित था, और वो था इस तस्वीर में दिखाई दे रहे चीनी राष्ट्र प्रमुख माओ जेदोंग। जी हाँ दोस्तों, इनका एक राजनीतिक कदम जो बिना सोचे समझे लिया गया, जो नेचर की अगेंस्ट था, जिसने 4.5 करोड़ लोगों को मौत के मुख में धकेल दिया। दोस्तों वो स्टेप क्या था, चलो जानते हैं। बात है 1998 की। चीन की प्रजा को रोग मुक्त रखने के इरादे से माओ जेदोंग ने द फॉर पेस्ट नाम पर एक देशव्यापी अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत मच्छर, मक्खियों, चूहा, यूरेशियन ट्री स्पैरो, जिसको हम हिंदी में गोरैया भी बोलते हैं, इन 4 पेस्ट का माओ ने सामूहिक अंत करने का काम चीन की प्रजा को सौंपा। दोस्तों चलो ये तो हम जानते हैं कि मच्छर जो मलेरिया फैलाता है, मक्खियां भी एयरबॉर्न डिजीज प्रोड्यूस करती है, रेट मींस चूहा भी प्लेग जैसी महामारी फैलाता है, इनको तो हम मार सकते हैं, लेकिन माओ ने गोरैया को मींस स्पैरो को भी खत्म करने का डेथ वारंट क्यों निकाला, जो निर्दोष थी। बाद में इसका नतीजा भयंकर निकला। दोस्तों इसका भी जवाब है, क्योंकि स्पैरो खेतों में खड़ी फसल को खा के किसानों के लिए बड़ी उपद्रवी साबित होती थी, इसलिए किसानों के लिए यह बड़ी एक परेशानी भी थी, जिसके कारण माओ जेदोंग ने स्पैरो को भी खत्म करने के लिए आदेश दे दिया, और परिणाम भयंकर निकला। द फॉर पेस्ट अभियान के अंतर्गत चीन के लाखों बंदूक धारकों ने करोड़ों स्पैरो का शिकार करना शुरू किया। इसके साथ साथ स्पैरो को मारने के लिए और भी कई अलग अलग तरीके अपनाए जाने लगे, जैसे कि बैंक पॉट जैसे बड़े बड़े चमकदार बर्तन का यूज करना, जिससे स्पैरो भड़क जाती थी और पेड़ पर रेस्ट न मिलने के कारण थकान से मर जाती थी। लोग नेट भी बिछाते थे स्पैरो को मारने के लिए। स्कूलों गांव में स्पैरो को मारने की और मार के लाने की कॉम्पिटिशन होती थी, और इस तरह अलग अलग तरीके से स्पैरो को मारने का काम गवर्नमेंट एजेंसी, स्कूल एवं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। इसका नतीजा यह निकला कि कुछ समय बाद चीन में स्पैरो का अस्तित्व ही खत्म हो गया, और तभी दूसरी ओर टाइटेनिक कीट, झींगा, झिंगूर जैसे कीड़ों का बड़ा आउटब्रेक हो गया, और इनकी संख्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सारे खेतों को उजाड़ दिया, क्योंकि इन कीड़ों का कंट्रोल करने वाली चिड़िया स्पैरो अब नहीं रही थी, खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण चीन में एक अत्यंत विकट इकोलॉजिकल इम्बेलेंस का निर्माण हुआ, जिसने चीनी प्रजा को भूखमरे की ओर धकेल दिया। तब कुछ साल बाद माओ जेदोंग को अपनी इस गलती का एहसास हुआ, और इन्होंने विदेश से बड़ी मात्रा में स्पैरो को आयात मिस इम्पोर्ट करवाया, लेकिन तब तक चीन में 4.5 करोड़ लोग भूखमरे में खत्म हो चुके थे। दोस्तों नेचर के साथ खिलवाड़ करने का कितना भयंकर परिणाम आ सकता है, इसका यह बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों आज अगर हम अपने आसपास देखें तो ऐसी कई चिड़िया और नेचुरल रिसोर्सेज नाबूद होते जा रहे हैं, जबकि साथ ही साथ पेस्टिसाइड जैसे केमिकल्स का दिन प्रतिदिन उपयोग बढ़ता ही जा रहा है, जो एक बड़ी समस्या हमारे सामने लेके आने वाला है, क्योंकि हम खेत उत्पादनों में मिनरल्स, विटामिन जैसे न्यूट्रिशन नहीं, पेस्टिसाइड्स खाते होंगे उसकी जगह पे, और आज भी खा रहे हैं, जो कैंसर प्रेरित है। तो प्लीज दोस्तों मेरी आपसे एक गुजारिश है कि कुदरत की इन अमूल्य देनों को खत्म होने मत दीजिए। लोगों में नेचर का कंजर्वेशन करने की, सुरक्षा करने की जागरूकता लाइए, और शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि लोग जान सके, समझ सके कि नेचर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और अप टू एंड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में द फॉर पेस्ट कैंपेन के बारे में विकिपीडिया की एक लिंक दी हुई है, जिसे आप ज्यादा इस बारे में जान सकते हो। और फाइनली अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, और लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट और सुझाव डालें, और हाँ बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि लोगों में कुछ नया जानने का शौक पैदा हो। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।